हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आपने कमेंट के की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कमेंट के एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको कमेंट के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में सहयोग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी कॉमेट के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लिया था और मैंने अपनी इंजीनियरिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से कंप्लीट की है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कराएगी। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक मैथ्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस का मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स। ओके, सो सेकेंड टॉपिक जो है वो है 3D एंड वेक्टर्स। सो 3D एंड वेक्टर्स से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे और प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा एग्जाम में। सो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी प्लस AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो इस इन टॉपिक से आपका 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थात 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस में चलते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका 4 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे, पक्का 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका 5 से 6 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। उसके बाद करंट चैप्टर से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपका 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपका 5 से 6 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, और सेमीकंडक्टर से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद SHM से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, वेब से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स से आपका 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएगा। तो चलिए अब केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 से 4 क्वेश्चंस, पीरियोडिक टेबल से 3 से 4 क्वेश्चंस, देन केमिकल काइनेटिक्स से आपका 5 से 6 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 से 18 क्वेश्चंस आपका आ जाएगा, ठीक है। SPD एंड F ब्लॉक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। उसके बाद बायोमोलिकुल्स एंड पॉलीमर्स चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सो ये सारे टॉपिक्स जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉमेट के एग्जाम्स के लिए। अगर आप इन टॉपिक्स के बेसिक्स के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप आराम से 120 to 140 मार्क्स ला सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कॉमेट के एग्जाम्स में टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम भी आपके पास 180 मिनट्स ही रहेगा, ठीक है। सो 60 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, 60 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स एंड 60 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। प्लस कॉमेट के एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम लिखना है। अब एक क्वेश्चन पे आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, मतलब टाइम आपके पास बहुत ही कम है, इसलिए आप किसी भी एक क्वेश्चन में अगर स्टक होते हैं तो उस क्वेश्चन में जो आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगे उसको टिक करके और दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कॉमेट के एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं टिप नंबर 1। तो अगर आप कॉमेट के एग्जाम में 120 मार्क्स से ऊपर लाना चाहते हैं तो NCERT बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। NCERT में जितने भी ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, क्योंकि कॉमेट के एग्जाम जो होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन NCERT टॉपिक्स पे ही होता है। अगर आप NCERT बुक्स की ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से 120 मार्क्स उठा सकते हैं। दूसरा टिप जो है वो है कि आप फॉर्मूलाज
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह लिख लीजिए, उनका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ताकि आप कॉमेट के एग्जाम के एक दिन या दो दिन पहले उन फॉर्मूलाज को और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट टिप ये है कि आप फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लीजिए और उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चंस और एवरेज लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमेट के एग्जाम्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके बहुत ही आसान रहते हैं, जिन्हें आप देख कर ही टिक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज लेवल के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं टफ लेवल्स के होते हैं। तो अगर आप 5000 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं तो आपको एवरेज क्वेश्चंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आप कॉमेट के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लें और उनको समय सीमा के अनुसार प्रैक्टिस करें। मतलब आप एक 3 घंटे का समय निर्धारित कर लीजिए और उस समय में आप कोई एक क्वेश्चन पेपर लेकर के और उसे प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और आपको कितना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लस इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक्स में आप स्टक हो रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। प्लस इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। अगर आपका हर टॉपिक्स का बेसिक्स अगर आपको पता है, बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स पे ही ध्यान देना है। ज़्यादा डीप में किसी भी टॉपिक के ज़्यादा डीप में जाकर स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर आप 120 नंबर से ज़्यादा मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक्स आपको कठिन लग रहा है, अभी टाइम है, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसे याद कर लीजिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, ठीक है। आप किसी गाइड की हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि कॉमेट के एग्जाम के टाइम में सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही कम टाइम लेता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखते ही आंसर मार सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी एग्जाम में तब तक बन जाएगा, जो कि आपको फिजिक्स एंड मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। ऐसा ना हो कि मैथ्स के क्वेश्चन करते 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 बहुत सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप पर्याप्त टाइम दे ही ना पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं, बट टाइम ना होने के कारण आप उन्हें सोल्व ना कर पाए। इसलिए ट्राई हमेशा यही कीजिएगा कि पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन करें, उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन करें और उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन करें, ओके। हाँ, बट अगर मैथ्स में आप बहुत ही अच्छे हैं तो आप मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप जेई के लिए थोड़ा सा भी सीरियस होकर प्रिपरेशन किए हैं, तो कॉमेट के एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बशर्ते एग्जाम से पहले आप अच्छे से फॉर्मूलाज यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि कॉमेट के एग्जाम आते आते स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि अरे कॉमेट के एग्जाम तो आसान है, आराम से निकाल लेंगे। बट क्या होता है कि कॉमेट के एग्जाम आते आते तक वो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, जिसके कारण वो एग्जाम में कन्फ्यूज होने लगते हैं और उसके कारण वो बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स को टिक करके आ जाते हैं। तो इन सीरियस बिल्कुल नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, वरना आप 70-80-90 मार्क्स में ही अटक कर रह जाओगे और आप जो कॉलेज डिजर्व करते हो वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए एग्जाम से पहले का 2 वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय आप अच्छे से रिविजन करें और एग्जाम का लास्ट दिन जो होता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखें। और अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप ट्राई कीजिए कि जो आसान टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से कर लें। जो जो टॉपिक आपका अच्छा है उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए और बाकी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि आपको थोड़ा बेसिक्स का नॉलेज हो जाए,
जिससे कि आप उससे रिलेटेड आसान क्वेश्चंस अगर आता है तो आप उसे सोल्व कर सकें। अगर आपका बाकी का एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर वहाँ से इंजीनियरिंग करने का। और चूंकि कर्नाटका के कॉलेजेस में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर इन कॉलेजेस में स्टडी कर लेते हैं तो ये गारंटीड है कि आपका जॉब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में ज़रूर लग जाएगा। तो अभी से बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी तक आपने जो भी किया है भूल जाइए सब कुछ और कॉमेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लक के भरोसे आप एग्जाम देने बिल्कुल भी मत जाइएगा, हमेशा अपने मेहनत के भरोसे पे ही एग्जाम देने जाइएगा, सफलता जरूर मिलेगी। एट लास्ट आई विल टेल यू ओनली वन थिंग, प्रॉपर रिविजन इज द की टू सक्सेस, इसलिए रिविजन अच्छे से कीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जय हिंद।